अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पसमांदा समाज का समर्थन तो चाहती है पर बदले में उन्हें कुछ देना नहीं चाहती है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक अधिकारों को चुंगम की तरह चबाया गया और छोड़ दिया गया और अब उनके अधिकारों को समावेशी बनाकर विकास किया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे को लेकर लखनऊ संवाददाता अविनाश कुमार ने पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी से क्या बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। और इस अल्पसंख्यक अधिकार के दिवस पे हम लोगों ने एक संगोष्ठी की है और इस संगोष्ठी के माध्यम से ये कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो कर दिया, अल्पसंख्यक आयोग का दफ्तर भी हो गया, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति 5 साल में 2 साल 1.5 साल बीत जाते तब उसकी नियुक्ति होती है और ऐसे में जो नियुक्ति होती है तो जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सरकार के लोग होते हैं और वो दफ्तर में पूरी तरह बैठते नहीं हैं। जो जिला प्रशासन में हमारे पीड़ित लोग हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इन लोगों के साथ जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो जिला प्रशासन लेवल पर जो इनको न्याय नहीं मिलता तो ये अल्पसंख्यक आयोग की तरफ आते हैं तो अक्सर दफ्तरों में वहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य निर्धारित रहते हैं और अगर कभी मिल भी गए तो उनकी फाइल ले लेते हैं तो संबंधित अधिकारी को कभी वो तलब नहीं करते हैं कि उनको तलब किया जाए कि इनके साथ अन्याय क्यों हुआ। आज पसमांदा समाज की संगोष्ठी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी जी हैं। आज जो संगोष्ठी है क्या है? आज हम लोगों ने संगोष्ठी की है तमाम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके और केंद्र सरकार से हम लोगों ने एक मांग की है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है आज और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए उनके समाज के उत्थान के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया और संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार दिए गए वो अधिकार उनको मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे अल्पसंख्यक आयोग एक अध्यक्ष को जुडिशली पावर होती है, अगर हमारे लोगों को कहीं न्याय न मिले वो अल्पसंख्यक आयोग में आते हैं कि जो अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग में आकर उनके अध्यक्ष उनसे बात करेगा और अधिकारी को तलब भी करेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग के साथ साथ अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम का भी गठन हुआ कि उसमें तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको टर्म लोन योजना भी दी जाए और सब्सिडी भी ताकि समाज लोग उत्थान कर सके। लेकिन सरकारें बराबर अल्पसंख्यक आयोग में फंड रिलीज नहीं करती हैं, वहाँ कुत्ते लौटते हैं और जो भी अल्पसंख्यक आयोग या जो भी मुस्लिम समाज से जुड़े विभाग हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम हो, मदरसा बोर्ड हो और चाहे फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी मेमोरियल हो, ये जो भी मुसलमानों से जुड़े विभाग हैं इन सब में अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई और बराबर वो तनख्वाह लेते हैं लेकिन वो अपने दफ्तर में बैठते नहीं हैं और जो लोगों को जिला प्रशासन न्याय नहीं देता वो पीड़ित जब आता है हेडक्वार्टर में तो आयोग में कोई भी मिलता नहीं तो वो लोग बेचारे मायूस होकर वापस चले जाते हैं। हमारे साथ अनीस जी, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि इस बार पसमांदा समाज जो है पूरी तरीके से जागरूक हो गया है और जागरूक होने के बाद ही वो सही कदम उठाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज लखनऊ। आज जो है वो MY फैक्टर जो है, आज मोदी योगी का युग जो है, उसने समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के जिस रास्ते को मजबूती के साथ तैयार किया है उससे समाज के सभी वर्गों तक तरक्की की रोशनी पहुंच रही है और जो विकास की पगडंडी है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन सांप्रदायिक वोटों की मंडी रही है।
और जिस तरह से विकास की पगडंडी पर सांप्रदायिक वोटों की मंडी स्पीड ब्रेकर का काम करती रही, वो आज पूरी तरह से उसकी नाकाबंदी हुई है, तालाबंदी हुई है। और उसी का नतीजा है कि आज लोगों का मूड भी बदला है, माहौल भी बदला है।